हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सएमबी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 16 और 17 अक्टूबर 2022। जैसा कि आपको पता है, ये एक वीकेंड का करंट अफेयर है, तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज बहुत कम है। लेक्चर वुड बी वेरी स्मॉल। बी विद मी टिल द एंड टू नो द अपडेट्स ऑन द वीकेंड। बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू, आप पीडीएफ को डाउनलोड करो, शाम को हमारे वेबसाइट से बीपीडिया को डाउनलोड करो, क्योंकि बीपीडिया वुड हेल्प यू टू रिवाइज एंड रिटेन थिंग्स, राइट। ये वीडियो तो आप एक बार देखोगे, उसके बाद हाई चांस है सेकंड टाइम नहीं देखोगे तो आप ये 3-4 दिन बाद भूल जाओगे। बट बीपीडिया इज द वन सोर्स जो आप डाउनलोड करने के बाद उसको जब रिवाइज करोगे, यू कैन क्रिएट ए विजुअल मेमोरी एंड यू कैन राइट वॉट एवर क्वेश्चन यू नो दैट कम्स इन द एग्जाम। तो शुरू करते हैं पहला करंट अफेयर न्यूज से, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो हंगर इंडेक्स है, इसको निकालता कौन है? इसको निकालता है जर्मन बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ, ये आपको याद रखना है, एंड आयरलैंड बेस्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। तो ये दो इंस्टीट्यूशन मिलके इस वाले रिपोर्ट को निकालते हैं। दिस इज एन एनुअल रिपोर्ट। 2006 से ये शुरू हुआ है। 2022 का जो रिपोर्ट है, दिस इज दी 17th एडिशन। तो ये भी आपको ध्यान देना। तो अब हम न्यूज को देखते हैं। न्यूज ऐसा है कि इंडिया रैंक्ड 107 अमॉन्ग 121 कंट्रीज। ठीक है, 107वां रैंक है इंडिया का 121 कंट्री में। मतलब कितने कंट्रीज को ये रिपोर्ट इंडेक्स करता है? 121। इंडिया का रैंक 107 है, जो एक्चुअल में बहुत पीछे है। 29.1 स्कोर मिला है इंडिया को आउट ऑफ 100। ठीक है, जो जीरो है वो नो हंगर है। तो इंडिया का स्कोर कितना है? 29.1। इट रेफर टू द इंडेक्स एंड एनोरियस मेजर ऑफ हंगर। ठीक है, ये इंडिया का मतलब वो जो अलग अलग क्लासिफिकेशन करते हैं हर कंट्री के लिए, तो इंडिया का क्लासिफिकेशन आता है एंड एनोरियस मेजर ऑफ हंगर। तो ये सारा चीज आपको याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको ये पूछ सकता है। ठीक है, अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें तो इसमें कितना इंडिकेटर्स है? 4 ब्रॉड इंडिकेटर्स है। ठीक है, वो सबसे पहला क्या है? एक है अंडर न्यूरिशमेंट, अंडर नरिशमेंट। ठीक है, एक है चाइल्ड स्टंटिंग, एक है चाइल्ड मोर्टैलिटी, एक है चाइल्ड वेस्टिंग। ठीक, तो कितना है? 4 है। ये भी आपको याद कर लेना है। मतलब इस वाले स्लाइड पे आपके लिए याद करने लायक बहुत सारा इंफॉर्मेशन है। बट ऑब्वियस सी बात है, अगर आप आरबीआई या नबार्ड जैसे फेस 2 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन जानना है, जो कि हम अलग से ग्लोबल हंगर इंडेक्स के नाम से एक वीडियो रिलीज करेंगे, उस पर कवर करेंगे। इस पर उतनी जरूरत नहीं है अभी। देन चलते हैं आगे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रेस्पॉन्स बाय मिनिस्ट्री। तो देखो, ये पर्टिकुलरली न्यूज ऐसा है अब, क्योंकि इंडिया का जो रैंक है 107वां है, तो जिस वजह से क्या हुआ है ना, गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को बहुत मतलब स्क्रूटिनाइज किया। स्क्रूटिनाइज करने के बाद उन्होंने फाइंड किया कि इस रिपोर्ट में बहुत सारा कैलकुलेशन गलत है। गलत नहीं है, बट इंडिया के पॉपुलेशन के हिसाब से ये जो सैंपल साइज है बड़ा छोटा है। मतलब देखो, प्रोपोर्शन मतलब एक इंडिकेटर है, दी फोर्थ एंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर एस्टिमेट्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ अंडर नरिशमेंट। ठीक है, तो अंडर नरिशमेंट का जो सैंपल साइज है, तो ये सैंपल साइज बड़ा छोटा है। 3000 लोगों से सिर्फ बस ओपिनियन पोल लिया गया। तो देखो, ओपिनियन पोल अगर लोगों को पता नहीं है तो वो मतलब एकदम एग्जैक्ट नहीं आता है कभी। मान के चलो आप यूट्यूब देख रहे हो, ऑल ऑफ अ सडन आपको कभी कभी शायद आता है ना कोई पोल, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज यू लाइक शॉपिंग फ्रॉम, आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट दे देता है। तो ऑल्दो मतलब वो इतना जल्दी होता है ना, आप सोचते नहीं हो, आप कुछ भी डाके आप, क्योंकि आपको वीडियो देखने की जल्दी है तो आप उसको कर लेते हो तुरंत। So, कुछ इस प्रकार का ही ऑनलाइन पोल कंडक्ट करवाया गया, जिसका सैंपल साइज 3000 था। तो एक चीज देखो, इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 1.31 बिलियन पीपल। तो 1.3 बिलियन पीपल, तो 3000 तो बड़ा छोटा ही है। इंडिया में 600,000 विलेजेस है, मतलब सिंपल साइज है। अगर एक विलेज से अगर एक आदमी का भी ओपिनियन लिया जाए तो भी 600,000 सैंपल होना चाहिए। सो हमको ये भी साथ में समझना है कि सैंपल साइज क्या है। तो सैंपल साइज 3000 है, तो इंडिया के पॉपुलेशन के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। इवन इवन इफ यू कंपेयर इट विद यू नो जस्ट वन स्टेट, उत्तर प्रदेश या कोई भी स्टेट,
उसके अगेंस्ट में भी 3,000 बहुत छोटा सैंपल है, तब तो पूरे नेशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद कुछ डेटा लिया गया एफएओ, मतलब फूड, एफएओ का डेटा, फूड इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस स्केल, ये डेटा का सर्वे लिया गया। तो ये जो सर्वे है ये भी एक ओपिनियन पोल जिसमें 8 क्वेश्चन पूछा गया था 3,000 लोगों को। तो वहां पे भी देखो ये बड़ा छोटा सा है, एफएओ ने ये सर्वे कंडक्ट करवाया था, मतलब ये वाला सर्वे नहीं, उस सर्वे से कुछ डेटा आया है, तो उसका भी सैंपल साइज बड़ा छोटा था, 3,000, और 8 क्वेश्चन लोगों से पूछा गया। तो इसके लिए बिकॉज ऑफ दिस द परसेंटेज देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। तो वही रेस्पॉन्स यू नो गवर्नमेंट ने किया है। अब अगर हम गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स करते साथ साथ गवर्नमेंट की एक्शंस की बात करें कि गवर्नमेंट ने हंगर को हटाने के लिए क्या क्या किया है, तो देखो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये तो आपने गवर्नमेंट स्कीम ने कई बार पढ़ा है। लेटेस्ट न्यूज क्या है कि इसको एक्सटेंशन मिला है दिसंबर 2022 तक, ठीक है, कब तक, दिसंबर 2022 तक। 40 समवेयर अराउंड यू नो 3.91 लाख करोड़ रुपीज का खर्चा हुआ है, और अभी 44,000 करोड़ रुपीज का खर्चा होगा टिल दिसंबर 2022। सो इतना बड़ा स्टेप लेने के बाद भी बिकॉज ऑफ सैंपल साइज वी आर स्टिल बैक, मतलब हम ऐसे ऐसे कंट्री से पीछे हैं वो कंपैरिजन से बाहर ही है। अगर हम अलग अलग स्कीम देखें, आंगनबाड़ी स्कीम, आंगनबाड़ी वर्कर, ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, तो ये अलग अलग जो स्कीम्स हैं ये स्कीम सोशल सेक्टर्स के, जो सोसाइटी के अलग अलग सेक्टर्स को हेल्प किया है, ठीक है, तो ये भी आपको साथ में समझ लेना है। तो ये जो स्क्रीनशॉट आप देख पा रहे हो ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज पे, वो है 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट। तो देखो बैकग्राउंड को समझते हैं, बजट 23 में जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी निर्मला सीतारमन, इन्होंने ही बोल दिया था कि देश में 75 बैंकिंग यूनिट सेटअप किया जाएगा, बिकॉज वी आर सेलिब्रेटिंग आजादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये जो 75 डीबीयू है, डिजिटल बैंकिंग यूनिट, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट कर दिया है। तो अगर हम बात करें कि किसने किसने सेटअप किया, तो उसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक है एंड 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है डिजिटल बैंकिंग यूनिट खोलने के लिए। नेक्स्ट है कि किसने कितना किया, तो देखो ये याद नहीं रखना है एज सच, ठीक है, ये आपको नहीं पूछेगा, बट हाँ 75, 11 पब्लिक सेक्टर, 12 प्राइवेट सेक्टर, इतना ही आपको याद रखना है, बाकी तो ये एज ए इंफॉर्मेशन आपके सामने है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं न्यूज पे, वो है प्राइवेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ये एक आर्टिकल है द हिंदू में पब्लिश हुआ है आज के दिन में, तो यहाँ पे आपको ये समझ लेना है कि जो देश है वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ बढ़ने लगा है, मतलब दिस इज बिकॉज ऑफ पीएलआई, ठीक है। तो देखो अगर आप प्रोजेक्ट्स की बात करो कितना प्रोजेक्ट्स हुआ है, तो इंक्रीज हम चेंज इन वैल्यू की बात करें तो इरिगेशन की बात, सबसे बड़ा वैल्यू है 36.17 इन मैन्युफैक्चरिंग। तो देखो इरिगेशन सेक्टर पे एज सच 700-600% से ज्यादा का ग्रोथ है, उसके बाद भी एज सच इसमें रिपल इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं होगा, बट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रिपल इफेक्ट इकोनॉमी में बहुत बड़ा होता है। मतलब एक तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करना, उसके बाद उसमें कोई प्रोडक्ट को बनाना, देन उसको देश में बेचना एंड देन उसको एक्सपोर्ट भी करना, राइट। जैसे एप्पल के केस में हो रहा है, फॉक्सॉन इंडिया में कुछ आईफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है और उनको ग्लोबली बेच रहा है। सो दैट इज हाउ यू नो मैन्युफैक्चरिंग क्रिएट्स द रिपल इफेक्ट इन द इकोनॉमी। तो ये आपको बस समझ लेना है, ये एक इंफॉर्मेशन था, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। तो पहला है एमबीबीएस बुक इन हिंदी, तो देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि जो एमबीबीएस बुक है वो ट्रांसलेट किया गया है हिंदी में। ये जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम एंड कॉर्पोरेशन है अमित शाह, इन्होंने भोपाल जो मध्य प्रदेश का कैपिटल है वहां पे इसको इनॉग्रेट किया है, मतलब बुक को रिलीज किया है, राइट। नेक्स्ट हम इंडिया फर्स्ट एल्यूमिनियम फ्राइट रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आपको ना पूछ सकता है इसका नाम, ठीक है, ये है इसका नाम। तो ये इंडिया का सबसे पहला एल्यूमिनियम फ्राइट रेक, अभी फ्राइट रेक है क्या, जो आप मालगाड़ी में देखे हो ना, जो सामान लेके जाता है मालगाड़ी, मतलब वो जो जो कंटेनर उस पे लगा होता है, नॉट सच कंटेनर, कंटेनर में क्या होता है, वैगन के ऊपर में ना कंटेनर रखा रहता है, तो मैं कंटेनर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजुअली जिसमें कोयला, जिसमें वैक्यूम के साथ वो लगा रहता है,
आज के दिन में वो लोहे का होता है, तो वो अभी एल्यूमिनियम का बनने लगा है। एंड ये श्री अश्नवी वैष्णव जो कि मिनिस्टर कंसर्न है, उन्होंने भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में इनॉग्रेट किया है। तो मतलब ये ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई है। तो ये ट्रेन कहाँ जा रहा है, ये बिलासपुर जा रहा है, छत्तीसगढ़ का वन ऑफ दी प्रोमिनेंट सिटी इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और भुवनेश्वर कहाँ पे है, कैपिटल ऑफ उड़ीसा। अगर हम इसके डिजाइन की बात करें, क्योंकि कई बार ये पूछ भी लेता है ना किसने मैन्युफैक्चर किया है, ये जॉइंट एफर्ट्स ऑफ रेलवे एंड बॉस्को लिमिटेड वैगन डिवीजन एक्ट एंड हिंडलॉक। तो ये तीन लोगों ने मिलकर ये रेक को डिजाइन एंड डेवलप किया है। ठीक है, अगर हम इसमें देखो, इसमें ऐसा है कि ये कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा। तो कैसे करेगा, इसका दो वजह है। एक तो वजह है कि ये साइज में बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, साइज में बड़ा है तो ये ज्यादा माल लेके जा पाएगा। ऑन द अदर हैंड, इसका कोई खुद का वजन है वो लोहे से कम है। तो खुद का वजन जब लोहे से कम है, फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलो, मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। लोहे का 100 कंटेनर है ना, मतलब 100 जो वैगन है उसका वजन है 1000 किलो। तो यहाँ पे सेम एल्यूमिनियम का जो 100 होगा, इसका वजन होगा मात्र 800। तो सिंपल सी बात है, ये 100, एक तो ये साइज में बड़ा है, मतलब ये लोहे के 100 से ये साइज में बड़ा है, तो ज्यादा माल तो वहां ले सकता है। दूसरा ये है कि इसका खुद का वजन कम है, वजन कम होने से इसमें इंजन में पावर कम लगेगा। इंजन में पावर कम लगेगा तो वो लेस फ्यूल कंज्यूम करेगा, या सेम फ्यूल में ज्यादा वैगन्स को कैरी कर पाएगा। सिंपल सी बात है। तो इन दैट सेंस कि एक एक जो रेक है, मतलब ये सिंगल रेक, मैं पूरी ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूँ, 14,500 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपने लाइफ टाइम में ये बचा पाएगा। सो अगेन, दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स डीकार्बोनाइजेशन, पहला हो गया। दूसरे असेसमेंट की बात करें, जो आयरन है, मतलब ये लोहे का स्टील ये बनाने के लिए देखो, तो आयरन ओर तो इंडिया में बहुत है, राइट? लेकिन आयरन कंज्यूम्स ए लॉट ऑफ निकल एंड कार्बन, जो हमारे पास कमी है। तो इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। बट एल्यूमिनियम का रेक बनाने से ये इंपोर्ट कम हो जाएगा, हमको हेल्प किस में मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड करंट अकाउंट डेफिसिट में हमको बहुत रिलीफ मिलेगा, अगर ये मास स्केल पे इसको किया जाए तो। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं, पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022। अब है पीएम टू इनॉग्रेट पीएम किसान सम्मान सम्मेलन ऑन 17 अक्टूबर। ठीक है, 17 अक्टूबर को ये रिलीज, मतलब ये आज के दिन होगा। तो देखो, आज के दिन प्राइम मिनिस्टर के किसान सम्मेलन में बहुत कुछ करने वाले हैं, तो बेटर है इस न्यूज को हम कल ही समझे, क्योंकि आज तो क्या करेंगे वही सिर्फ बाहर है। लाइक प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, ये वो लॉन्च करने वाले हैं वन नेशन वन फर्टिलाइजर के अंडर पे। ठीक है, भारत यूरिया बैग्स, इसका वो लॉन्च करेंगे। आपने शायद याद होगा, भारत यूरिया बैग्स के बारे में हमने कुछ एक डेढ़ महीने पहले पढ़ा था कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर पे हो, वो एनकी पे, एनकेपी, ठीक है, नाइट्रोजन पोटेशियम, इसका जो भी मतलब यूज होता है ना, उसमें जो बैग लगने वाला है उसमें ब्रांडिंग भारत का होगा। मतलब प्राइवेट सेक्टर भी अपना ब्रांडिंग नहीं कर सकती, तो वो चीज आज लॉन्च होगा। इन ए रिफ्लेक्शन ऑफ द कंटिन्यूड कमिटमेंट ऑफ पीएम टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ फार्मर, पीएम किसान फंड्स ऑफ 1600 करोड़, ये भी 16,000 करोड़, सॉरी 16,000 करोड़, ये भी रिलीज किया जाएगा। तो ये सारा चीज तो हम कल के न्यूज में देखेंगे, आज एक बार हो जाने दीजिए इसको। विद दिस लेट्स मूव टू द लास्ट सेट ऑफ वन लाइनर्स। तो सबसे पहला है पीएम मा योजना। अब ये है क्या, तो देखो ये गुजरात से रिलेटेड है। इसके बैकग्राउंड को समझो, जब आज के जो प्रधानमंत्री है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो उन्होंने 2012 में एक स्कीम लॉन्च किया था, मुख्यमंत्री अमृतम, जिसको माँ बोला गया। ठीक है, तो ये अलाइंड किसके साथ है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पे है। ठीक है, तो ये 2014 में वॉज एक्सटेंडेड टू कवर दोज फैमिलीज हु आर हैविंग एन एनुअल इनकम लिमिट ऑफ 4 लाख। लेटर द स्कीम वॉज एक्सटेंडेड टू सेवरल अदर ग्रुप एज वेल। द स्कीम वॉज रीब्रांडेड एज मुख्यमंत्री अमृतम वत्सल्य, MAV योजना। कब हुआ, 2014। अभी ये क्या होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे PMJY माँ योजना आयुष्मान कार्ड इन गुजरात ऑन 17 अक्टूबर, मतलब आज करेंगे। तो ये तो फिर कल में ही, और अगर कुछ डिटेल होगा तो आएगा। बाकी ये डिटेल तो आपको पता है, आयुष्मान भारत तो आपको पता ही है कि क्या है। सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज न्यूज। लेट्स अगेन मीट टुमारो, टिल देन अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXM।
all the best. Let's be 50% faster with accent.